हेलो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है रचित पवार। अब मैं सब फिर से जुड़ चुके हैं स्टूडियो के माध्यम से। तो आज आपको मेरे चेहरे में ये वाले की चमक के गले की खुशी दिख रही होगी, और ये इस खुशी आपको क्यों दिख रही है उसके रीज़न भी मैं आपको बताया। तो आपको पीछे का बैकग्राउंड देख के शायद पता चल जाए अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो। तो आज की जो व्लॉग है वो फिर से वही व्लॉग है जो जहाँ से मैंने अपने व्लॉग्स की शुरुआत की थी, HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड चौरास कैंपस। तो आज का व्लॉग यहीं का है, और आज मैं फिर से 1.5 साल बाद चौरास कैंपस वापस आ चुका हूँ, और बस खुशी अलग से खुद ही आ रही है। मतलब मुझे नहीं पता क्यों आ रही है, मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, बट मैंने यहाँ अपने काफ़ी भयंकर टाइम स्पेंड किया है। और मेरा फ़ोन फिर से हिल रहा है क्योंकि जो ये रास्ता है ना, कुछ ऐसे ही कच्चा पक्का रास्ता है। ठीक है, तो अब मैं बढ़ रहा हूँ चौरास कैंपस की तरफ, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको चौरास का पुल। तब तक के लिए वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल में हुए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल में बढ़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय। और ये पुल बार बार याद आता है क्योंकि इस पुल में हमने काफ़ी सारी हरकतें की है, रेस लगाई है, स्कूटी में रेस लगाई है, कभी हमने यहाँ वीडियो शूट्स की है, रील्स शूट की है। तो ये वाला जो पुल है, चौरास का पुल है, पुराना पुल आई गेस वहाँ इसके बगल में है, और नया पुल ये है। तो नया भी क्या है, काफ़ी मतलब नए ही समझो, काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने फिर से मेंटेन कर दिया इस पुल को। तो हम देखो आगे है यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, जो कि आपको बताइए, और हम फिर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी और यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे। तब तक के लिए मज़े कीजिए। तो ये चेहरे पर खुशी है ना, ये एक्चुअली में एक तो अपने घर अपने उत्तराखंड आने की है, और दूसरा अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने बड़े भयंकर महंगे कर्म कांड किए हैं, यहाँ इस चीज़ की खुशी है। ठीक है, और बाकी नए बच्चों को यही कहूँगा कि आओ और मज़े करो और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि यहाँ आपको बड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी कभार आप बोलोगे कि छी में क्यों ही आया, बट हाँ 90% आप तो ये बोलोगे कि हाँ यार यहाँ से कुछ सीखने को मिला। स्टडीज़ नहीं भी कर पाओगे तब भी इसकी आवाज़ आनी तो मैंडेटरी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये देख लो यार, मैंने बाल भी कटा दिए हैं, तो अब मैं एक अलग इंसान लग रहा हूँ आपको, शायद मैं इंसान लग रहा हूँ जानवर से। तो यही बात है, चलो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ और दिखाते हैं आपको, फिर से पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी के बढ़िया बढ़िया पुराने पुराने और नए नए बढ़िया बढ़िया चीज़ें। अब मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी में कैंटीन फिर से खुल गई है, जो 3-4 साल से तो बंद ही थी, कोरोना काल से ही बंद थी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अगर इधर की तरफ सीधा जाएंगे तो हम कितने नगर की तरफ भी निकल सकते हैं, थापली की तरफ भी निकल सकते हैं, और यहाँ से मैंने सुना था कि रोड बन चुकी है जो बस जाती है, रोड कुछ खास बनी नहीं है अभी भी। ठीक है, ये है चौरास का पुराना पुल और ये है चौरास का नया पुल, और ये रोड कुछ ऐसी खास बनी नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं लग रही है, बट हाँ ये है कि जब हम थे तो ये रोड नहीं बनी थी और बस नहीं जा पाती थी, बट यहाँ रोड बन चुकी है तो बस भी जा रही है, और आगे वो बीच में पत्थर रखे हुए थे शायद वो भी इन लोगों ने हटा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा। तो ये मतलब चेंजेस ऐसे कुछ खास हुए ही नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और आगे भी दिखेगा, बस ब्लॉग में बने रहिए। तो ऊपर चौरास मतलब यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, और यहाँ से नीचे की तरफ घाट भी क्या है, मतलब नदी की तरफ जाते, तो हम बहुत बार वहाँ जाते भी थे। अब नीचे एक मंदिर भी दिख रहा है छोटा सा मुझे, ठीक है, और नीचे की तरफ भी जाते हैं, बट मैं पता नहीं क्या बना रहा हूँ क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और अब आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी के सुंदर सुंदर नज़ारे, और यूनिवर्सिटी की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ तो मैंने यूनिवर्सिटी की पोस्ट की है, और बस मज़ा आएगा आपको। देखो वो है हमारा पूरा श्रीकोट, और इधर की तरफ हमारा श्रीनगर पड़ेगा। ये है यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेंटर, और यही गेस्ट हाउस भी है, इसके बगल में भी गेस्ट हाउस है और ये भी गेस्ट हाउस है। माँ कसम बहुत थक गया यार, नीचे से चलने में इंसान की लग जाती है, पर ऊपर ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये यूनिवर्सिटी का छोटा वाला गेट है आगे जो आपको दिखेगा, और थोड़ा सा और चलने पे आपको बड़ा वाला गेट दिखेगा, तो हम जाएंगे बड़े वाले गेट से, आपको पूरा वो दिखाएंगे। और वैसे तो मैंने काफ़ी सारे व्लॉग बना रखे यूनिवर्सिटी का, बट देखते हैं कि आज हमें कौन पहचानता है। वैसे तो काफ़ी सारे लोग जितने भी साथ के थे उनका कंप्लीट हो गया, तो वो चले गए होंगे, बट यार वीडियो के माध्यम से तो लोगों ने देखा ही होगा ना, तो देखते हैं कि आज हमें कौन पहचानता है यूनिवर्सिटी में। और बस बड़ा वाला गेट नहीं, हम जाएंगे बड़े वाले गेट से आगे की तरफ, यहाँ कच्चा रास्ता है और आगे से बड़ा वाला गेट है। देखो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा सा ऊपर से, और देखो मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा हूँ एक तरीके से,
पता है एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे जीजू राहुल हम दोनों यहाँ से ना स्कूटी में जा रहे थे, और यहीं से जो ये आपको ऊपर की तरफ देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर से छलांग मार के यहाँ से नीचे की तरफ चले गए एक बाग। अब भाई उस दिन बहुत फट गई थी कि भाई बाग, पर वो भी एक दिन था और वो भी एक टाइम था। वैसे बता दो, मैं सारी चीज़ें ऐसे रहूँ जैसे पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, अभी 1.5-2 साल ही तो हुए हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं हुए, बट मैं एक विस्तार में बता रहा हूँ आपको। इसे यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं, ये आगे चौरास और थापली में जाती है, ठीक है, और ये छोटा वाला गेट यूनिवर्सिटी का एक, और यहाँ की भी एक मैंने कॉमेडी वीडियो डाली है जिसमें अप्रोक्स 2-3K व्यूज़ आए हैं, और वो शायद रील है, वो वीडियो नहीं है, शूट है, शॉर्ट है। यहाँ से कहीं से एक मतलब जंगल, मतलब घास घास जैसा था, और वहाँ से पूरा चौराहा दिखता है, शायद यहीं कहीं से था, पर इसके पीछे पूरी खुदाई उदाई हो गई है, ठीक है। और ये देखो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ से दिखता है। बताओ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई यार। अरे मेन गेट की तरफ पहुँच रहा हूँ, जय माँ सूरी देवी, देखो सामने सूरी देवी का मंदिर भी दिख रहा है मुझे, बट ये है जय माँ सूरी देवी, माँ सूरी देवी का मंदिर। और ये जो ये जगह है ये आपको इवन इवनिंग में देखने को मिलेगी, यहाँ बच्चे गेड़ियाँ मारते हैं, और गेड़ियाँ मारते हैं मतलब चिल आउट करने आते हैं यहाँ। ये सूरी देवी का मंदिर जहाँ हम प्रसाद चढ़ाने आते थे इन जनरल, और ये है हम लोगों की पार्किंग। अब पार्किंग कहाँ है, जस्ट यूनिवर्सिटी गेट के सामने, और ये है हमारा HNB का गेट। जैसे ही हमने गेट से एंट्री ली हम पहुंच जाते हैं हमारे कैंपस के अंदर। सामने देखो मैं स्वामी मन मंथन या मन मंथन जो भी है, मैं आज तक नहीं कह पाया, लगा लो 7 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम कहते हैं इसे। यहाँ मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत फोटोज़ क्लिक किया, और अंदर की भी पूरी वीडियो बना के आपको शायद यूट्यूब में दिखाई थी। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, आपके सामने है सेंट्रल लाइब्रेरी या पुस्तकालय लाइब्रेरी, जो कि अब 8 बजे तक खुली रहती है, उस टाइम तक 5 बजे तक खुली रहती थी, ठीक है, और 24 घंटे कभी ये खुल नहीं सकती क्योंकि चौरास की लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके बगल में आपका MCA डिपार्टमेंट भी दिख जाएगा, जो कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई यहाँ तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपना बिताया है। और इसके बगल में SOET आपको दिख जाएगा, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और कुछ इस तरीके का आपको कैंपस देखने को मिलेगा, और वहाँ भी आपको क्या बोलते हैं म्यूज़ियम देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो छोटी सी बिल्डिंग है, उसके बगल में फिर अलग अलग। हमारा डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, MCA मेरा यहीं से हुआ है, और उसके जस्ट बगल में है SOET का डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, और जस्ट इसके बगल में है पुस्तकालय, और इसके बगल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। फाइनली मैं डिपार्टमेंट में मैंने 2-3 टीचर को देखा, और ऑब्वियसली एक बंदे के अलावा वो किसको ही पहचानेंगे जो कि CR था, ठीक है, उसकी बुरा मानने वाली बात नहीं है मेरे को, बट उन्होंने नहीं पहचाना, बट मैंने बताया तो वो पहचान गए थे टोपी वोपी निकाल के। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ चौरास कैंपस, और आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। से मैं होके आ गया, टीचर से मिल गया, OP सर से मिल गया, और अब जाते हैं डायरेक्ट आगे की तरफ जहाँ है HNB की कैंटीन। भाई 4 साल से तो ये कैंटीन बंद थी जब हम थे, मतलब 2 साल तो मैं था तब तो ये कैंटीन बंद थी, तो सुनने में आ रही है कि विद इन अ ईयर, मतलब अभी लास्ट ईयर ही खुली है ये कैंटीन फिर से, पहले ये पोखरियाल ब्रदर्स की थी, और अब यहाँ लिख रखा है बर्तवाल खाना खजाना करके, और कुछ ऐसे इन लोगों ने बाहर का सेटअप कर रखा है। और चलो देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे कैसे कैसे रेट हैं, पहले तो मेन है कि ठीक है, तो रेट वेट आप देख लो, ऐसा इन लोगों ने लगा रखे हैं। वैसे मैंने पहचान, कुछ इस तरीके की है यहाँ की कैंटीन, जो कि अभी जस्ट एक्सल वैली खुली है। ये थोड़ा सा इंटीरियर है, अंदर पराठे वराठे बनते हैं आपके, पूरे सामान वामान आपको चिप्स मिल जाते हैं। ये दीदी ये 24 आवर्स खुली रहती है क्या? अच्छा रात को नहीं खुलती, 7:30 बजे थे शाम को, 7:30 बजे तक, और रात को जैसे किसी को कुछ खाने वाने का ऑन करे 7:30 के बाद तब नहीं खुलती। बाग का क्या तरह? बाग नहीं, टाइमिंग होती है। अच्छा 6 बजे से, मतलब जैसे अपना स्टार्ट कर देते हैं जो भी इनको ग्राउंड है। हाँ जी हाँ जी। और कैसा चल रहा है मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मतलब बिक्री बिक्री ठीक हो रही है? क्योंकि बगल में बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी पास ही है। मतलब बॉयज़ हॉस्टल पास है, गर्ल्स हॉस्टल पास है, तो बिक्री सही होती है? पहले तो पोखरियाल ब्रदर्स ने ली थी ना ये,
हाँ मैंने, क्योंकि मेरे को भी 1.5-2 साल हो गए कॉलेज खत्म करे हुए, यहीं से किया था मैंने, तो तब पोखरियाल ब्रदर्स की थी तो बंद थी काफ़ी टाइम से। अच्छा 1 साल हुआ है, तो हैप्पी हो ना, तो बोलो लाइक करो। ओके तो ऐसी कैंटीन है हमारे यहाँ की, और बाकी ये ऐसा सिटिंग एरिया है, और वहाँ पे भी है थोड़ा बहुत सिटिंग एरिया है। और सिटिंग एरिया से पहले मुझे एक बात याद आ गई जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आज से 2 साल पहले मैं शाम को 5 बजे उस सोइट के बगल से आ रहा था, मैंने यहाँ 3 बाघ देखे थे, और वो मेरा यूनिवर्सिटी का 3rd लास्ट डे था। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये कैंटीन खुल गई है, तो कुछ फ़ायदा भी हुआ है इससे कि बाघ बाघ नहीं आएंगे, और आएंगे तो थोड़ा डर के रहेंगे। बाकी वाले सीन है आपको दिखाते हैं आगे भी। मेरे पीछे जो आपको दिख रही है वाली बिल्डिंग है स्वामी विवेकानंदा बॉयज़ हॉस्टल, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, आपको पूरा व्लॉग दिखाएंगे। बस आप थमे रहिए और बैठे रहिए, और हमारे साथ HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के सुंदर सुंदर नज़ारों के फ़ायदे और लुत्फ़ उठाइए। तो जैसे कि आपको पता ही, ये रोड आपने मेरे व्लॉग्स में HNB की एक्सप्लोरेशन वीडियोस में आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। ये है जस्ट ये वाला जो डिपार्टमेंट है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये है हमारा रूरल टेक सबसे ऊपर, और उसके बाद नीचे हमारा है योगा का डिपार्टमेंट, और योगा के डिपार्टमेंट के बगल वाली बिल्डिंग, मतलब ये पूरी बिल्डिंग योगा की ही है, और ऊपर वाली रूरल टेक की है, और इसके जस्ट बगल की जो ये है ये रोड, और ये रूरल टेक के यहाँ HOD रहते थे आज से 2 साल पहले, आपका मुझे नहीं पता। और हम बाकी की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने पहचाना मेरी टोपी मेरी शक्ल से, कि भाई अरे आप तो भैया हो, तो बड़ा एक अच्छा था, खुशी मिली कि यस मैंने एटलीस्ट कहीं तो ये किया है कि हाँ कोई बंदा मेरे को पहचान रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम कैंपस के टूर पे, और आपको दिखाते हैं बहुत सुंदर सुंदर से यूनिवर्सिटी के नज़ारे। ठीक है, अब नज़ारे से सबसे पहले हम घूमेंगे इधर की तरफ, इस चौक से जस्ट इधर की तरफ अगर हम घूमेंगे तो आपके सामने जो आता है वो डिपार्टमेंट आता है इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट। हमारे टाइम पे हॉस्टल में भास्कर था इन्वायरमेंटल साइंस में, बट उस टाइम पे मैं अपना व्लॉग शूट कर नहीं पाया, होते ही अभी कोई ऐसा है नहीं इसलिए मैं व्लॉग शूट कर नहीं पाऊँगा। और इसके जस्ट इस डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में वो वाला जो डिपार्टमेंट है वो बिज़नेस MBA का डिपार्टमेंट, और इसके जस्ट इधर की तरफ हमारा डिपार्टमेंट पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट। अब जो ये है ये हमारी है लेक्चर हॉल्स हैं, किसके लेक्चर हॉल्स हैं मैं अभी भूल गया, ये हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वालों के लेक्चर हॉल्स हैं। अच्छा तेरे रूममेट होंगे। हाँ तो ये वाला जो ये आपको दिख रहा है इसके नीचे HBA है, बहुत सुंदर है सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब HNB का सबसे बेस्ट पार्ट वहाँ पर है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और चलते चलते हम पहुँचते हैं फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके बगल में आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। तो फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर का ये डिपार्टमेंट है, और बाकी हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो भागते हुए दिखेंगे आपको, और ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है ना भाई। हाँ। यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आपको नेचर फ्रेंडली यूनिवर्सिटी मिल रही है। ठीक है, और यहाँ आपको ऐसे जिम्स भी मिल रहे हैं जिसमें आप अपनी अच्छी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो, और ग्रीनरी मिल जाती है, तो आप मतलब आपका माइंड बहुत चिल हो जाता है। और ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट, तो फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर से थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो सीधे सीधे जाएंगे तो आपका पड़ जाता है छोटा वाला गेट यूनिवर्सिटी का, पर हम अभी वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऐसे कुछ दिखाने के लिए नहीं है। वहाँ बस ये है कि जो BHM का जो है HM का डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर है। हम इस उद्यान शोध केंद्र से जस्ट इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, वो लोग फील्ड वर्क करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ मयंक और जाते थे। अगर हम आगे की तरफ जाते तो आपको दिखाते हैं ये लैंड एरिया है जो कबाड़ बन रखा है, HNB वाले ने कबाड़ बना रखा है, बट यहाँ पे भी आप अपने उद्यान उगा सकते हो। वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, आपको अगर मेरी उंगली से दिख रही है ये वाली जो बिल्डिंग है, ये वाली सॉरी, ये है DAC, वो ST SC and OBC स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे फ्री कोचिंग होती है यूनिवर्सिटी पे। और इधर की तरफ थोड़ा सा अगर हम आ जाए तो आपको दिखेगा HM का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और टूरिज्म होता है, और मतलब HM के डिपार्टमेंट है इस तरीके से आप मान के चलो, सेंटर ऑफ टूरिस्ट एंड ये HNB की बस।
अभी क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये है सेंटर ऑफ माउंटेनियरिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़, ठीक है। यहाँ पे आपका एचएम का सीन होता है। अब इसके बगल में आप देख लोगे कि ये बड़ा सा जो ग्राउंड है ये एचएमबी का ग्राउंड है, ये भी हम आपको दिखाते हैं अभी, और हम आगे की तरफ चलते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। कहाँ मेरे भाई? तो हो रहा है यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट और हम देखते हैं एचएनबी का टूर्नामेंट जो भी हो रहा है, जो भी है हम छोटा छोटा रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो जल्द से जल्द पोस्ट करेंगे जिससे लोगों को दिखे। अब आप देखिए यहाँ पे इतने बढ़िया से दोनों जगह पेड़ है, बीच में मस्त सी आपकी सड़क है, तो चलने में कितना मज़ा आएगा, फ़ोटो खिंचाने में कितना मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं जिमनेज़म वाली बिल्डिंग की तरफ। वैसे तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी में इन जनरल सब कुछ ही दिखा रखा है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो ये ग्राउंड हो, चाहे वो डैक वाला वो हो, या फिर रूरल टेक और हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स हो। हॉर्टिकल्चर का पूरा व्लॉग नहीं बन पाया था। अब देखो यहाँ पे ऐसा वो फिज़िकल एजुकेशन वाले जो होते हैं वो ऐसा गेम्स वेम्स खेलते हैं, और ये पूरा जो क्या बोलते हैं कि ग्राउंड है और जो जिम है ये सब फिजिकल एजुकेशन के लिए ही है इन जनरल। आपने मैंने आपको शायद ये भी पहले बताया होगा। तो आज का तो ये कैसा टूर है, तो टूर की तरह हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ देखते हैं फिजिकल एजुकेशन वाले क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर की तरफ जाएंगे तो वो वाला जो आपको दिख रहा होगा वो जाली जाली जहाँ लगी हुई है वो बास्केटबॉल कोर्ट है, और ये पूरा ग्राउंड है एचएनबी का। एक पुराना वाला ग्राउंड भी था बट जब वो आपदा आई थी तो वो बह गया था, वो उधर की तरफ था, बाहर की तरफ था, ठीक है। आधा ग्राउंड तो उसी में बह गया था। और भाई सच बताऊँ हम यहाँ ना 8-9 राउंड मारते थे पर डे के, सच्ची 8-9 राउंड हम पूरे भागते थे मैं और एक लड़का। तो ये है एचएनबी का ग्राउंड, वहाँ शायद कुछ प्राइज वाइज मिल रहे होंगे। और ये देखो अभी तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं हो रही क्योंकि ठंडियों का मौसम है, इन जनरल यहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन लोगों को प्राइज वाइज मिल रहे हैं, ठीक है। रोहित रावत को भी मिल गया है। ये जो गेट है ये जो मैंने आपको बताया था ना उधर से जो हम आते हैं ये पूरा गेट बाहर निकलता है वहाँ, और यहाँ से बाहर एक छोटा वाला गेट निकलता है। ये जो आ रही है क्या प्रेजेंट टाइम की वाइस प्रेसिडेंट? ओके इंटरेस्टिंग, हमारे धन्यवाद सर, पर मैं तो जानता नहीं तो मैं जान ही सकता। महासचिव छोटी बहन आचल राणा भी पहुंच चुके हैं। Wow. विकास भवन जिसमें मेरे मामा जी काम करते थे। सीरियसली यार? मामा जी इसमें काम करते थे। घूमते गए हम आ गए हैं हम कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो जस्ट हमारे सामने है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में घुसा था पर व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि गुस्से खत्म हो गई थी बिल्डिंग। वहाँ हमारा यू मतलब वर्कशॉप है वो है ना, इंजीनियरिंग वर्कशॉप है वहाँ पे। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे इधर बढ़ते ही जस्ट आपके बगल में दिखेगा ये वाला जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ये है मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट। भाई ये एक मिस्टीरियस डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मैं घुस ही नहीं पाया, अंदर से यहाँ तक भी नहीं गया। ये है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट चौरास कैंपस का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मैं घुसा ही नहीं हूँ। और ये गेट, इसकी वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी, इससे भी 3K लाइक व्यूज़ आ गए थे। इसने ना ऐसे हम लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से, तो एक लौंडा था हमारे साथ का वो घुसने की कोशिश कर रहा था, घुस ही नहीं पाया बेचारा, फिर वो ऊपर से चढ़ के आया। और इसके जस्ट बगल में है एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट, इसमें क्या कर रखे हैं इन लोगों ने आधा पोर्शन बैंक को दे रखा है। साइड में हाँ, तो ये है एचएनबी की चाय की दुकान जी। तो ये दुकान कुछ टाइम पहले खुली है, अप्रॉक्स 1.5 साल हो गया, मतलब जब मैंने छोड़ा था उसके बाद खुल गई थी, दोस्तों को उतारे थे, और अब हम यहाँ से चाय पियेंगे और देखते हैं कि चाय कैसी होती है। शाम के टाइम पे ये जगह बिल्कुल चिल आउट के लिए बन जाती है क्योंकि यहाँ सारे लोग आते हैं और चिल से अपनी चाय पीते हैं। तो देखो काफ़ी सारे लोग हैं और मैंने भी चाय ले लिया, 15 रुपये की चाय है, और ये भाई लोग भी चाय पी रहे हैं। तो कैसी लगी भाई लोग चाय आपको? और अच्छा आप ये बताओ कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसा लग रहा है? आपने अप्रॉक्स 1-1.5 महीना जो भी बताया, तो कैसा इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का, कुछ ऐसा बोल सकते हो आप? चलो ठीक है, मिलेंगे भाई लोग आपके साथ SGS बॉयज हॉस्टल। तेरी सूरत का है चांदी 100% बिल्लो।
मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद वालियां है होठों पे गालियां, ये तेरी चांद वालियां है होठों पे गालियां, सोचने का मौका ना दिया।